अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक मेरे दोस्त। आज अल्हम्दुलिल्लाह खरिया से मैं पहुँचा हूँ कोलकंबर मंडी। और इस मंडी की मैं आपको इस वीडियो में ना आपको पूरी लोकेशन मैं आपको बता दूँ। कोलकंबर मंडी ये कहाँ पे लगती है, कौन सी साइड पे लगती है, ये सारी तफसील मेरे भी आपको ना इस वीडियो में आपको डिटेल के साथ आपको बताऊँगा। और एक बात इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपको सही तरीके से आपको समझाऊँ, आपको मेरी बात आपको समझ आ सके और इस मंडी पर आपके लिए आसानी हो सके आने के लिए। तो कल को भी आप आएंगे जैसे ना, फिर अगर आप रेड आपको समझ आते हैं आ सकते हैं ना, तो कल को आप आए इस मंडी पे आप आसानी से आके ना रब्ता करके आप पहुंच सकते हैं। बाकी जानवर अलहमदिल्ला बहुत ज़्यादा आया हुआ है, छोटे बच्चे आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। 2025 की कुर्बानी करिए जानवर तो अलहमदिल्ला बहुत ज़्यादा हुआ है और ज़्यादा आए हुए हैं। देखते हैं इनके रेट की है, रेट ज़्यादा करते हैं या कम करते हैं, सारी तफसील ना और इसी वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल के साथ आपको बताऊंगा। सर आप दोस्तों ना क्या करना है, मेरी वीडियो मुकम्मल आपने अंत तक आपने देखनी होगी। हो सकता है आपकी सोच से ज़्यादा आपको सस्ता जब मुनासिब मिल जाए, हो सकता है कोई आपकी पसंद का जानवर इस वीडियो में आ सकता है मेरे भाई। और अगर आप आना चाहते हैं मेरे भी नंबर मेरे मौजूद है स्क्रीन के ऊपर, आप आए मुंद्रा कोट फार्म पर। इंशाल्लाह अपनी सोच से आपको ज़्यादा इंशाल्लाह इज्जत मिलेगी। लोकेशन डेरा गाजी खान है मेरे पे मेरी, और जामपुर और शेरापुर मुंद्रा कोट फार्म ये मेरी लोकेशन, आप इस लोकेशन पे आप आ जाए। वैसे डेरा गाजी खान में आस पास जो भी मंडियाँ लगती हैं मेरी कोशिश होती है मेरे भाई, मैं अपने भाइयों को हर मंडी का रेट सुनाऊँ, हर मंडी का रेट चेक करवाऊँ और जामर हर मंडी पर दिखाऊँ। जो आप दोस्तों के लिए जो आप दोस्तों को मंडी पसंद आते हैं, जो रेट पसंद आते हैं ना, आप उसी मंडी पे आप आ जाना। क्योंकि एक तो मैं कहता हूँ आपको व्यापारी से जामर कभी नहीं लड़ना, हमने नहीं लेके देना, क्यों व्यापारी से थोड़ा जामर महंगा मिलता है। मैं कहता हूँ गाँव के लोग जो आते हैं ना उससे जामर लेना चाहिए, उससे थोड़ा रेट मुनासिब वारे का मिलता है। बाकी सारी तफसील इंशाल्लाह मैं आपको अच्छे ना अच्छे जामर आपको दिखाऊँगा, पता चलेगा इंशाल्लाह। दिल खुश होगा मेरे पे, आपको वीडियो मुकम्मल देखना, लेना देना नसीब की बात है, जो आपका दिल करे आप उसी तरह करें। बाकी बाइक कैमरे सारी तफसील इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ, रेट अपनी मर्जी का आप जो भी होगा वो मैं नहीं बताऊँगा, बाकी उम्र भी मैं भी नहीं बताऊँगा, जो मालिक आएंगे उसके मुताबिक बताऊँगा, जो यहाँ पर ओरिजिनल रेट होंगे ना वो मैं आपको कन्फर्म करूँगा। अच्छा ये देखिए मेरे भी सबसे पहले ना माशाल्लाह आपको तीन जानवर आपको दिखाने लगाऊँ, आपको कक्के बिले माशाल्लाह जानवर हैं। और आपने वीडियो दोस्त मेरे आपने मुकम्मल आपने एंड तक आपने देखने होंगे, इनके हवाले से ना सारी तफसील इंशाल्लाह मालिक से पूछ के इंशाल्लाह आपको बताएंगे, इनकी उम्र वगैरह भी इनके रेट वगैरह भी आपने मुकम्मल वीडियो देखने होगी। अगर चीज़ें रखनी है ना मेरे भी आप इसी तरह की चीज़ें खरीदें, लेकिन आप इनके नखोड़े आप इनका हुस्न आप इनकी खूबसूरती इनके फेस मेरे भी आपने चेक करना होगा। अगर काटू लेके जाते हैं मेरे भी काटू जानवर में आपको कोई भी मफाद नहीं मिलता। मैं ये अपने दोस्तों को चाहता हूँ मेरे भी आप अच्छी चीज़ रखें और मुनासिब पैसों में भी चीज़ हो, लेकिन चीज़ें भी साफ़ सुथरी हो। ऐसी चीज़ें आपको डेरा गाजी खान में आपको आना पड़ेगा, ऐसी चीज़ें चाहिए तो आप डेरा गाजी खान में आके ना आसानी से आप ये चीज़ ले सकते हैं। आप इनके मेरे भी नकोड़े देखें माशाल्लाह, अभी छोटे बच्चे हैं ये, जितना बड़े होंगे ना इनके मजीद इनके नकोड़े बाहर निकलेंगे, इनके मजीद नकोड़े जो है ना वो गुलाई में आएंगे। प्योर माशाल्लाह पिंक जानवर हैं ये तीन जानवर माशाल्लाह खड़े हो, ये जिस दोस्त को भी चाहिए ना रब्ता करें, इंशाल्लाह ये जानवर आपको कार्गो भी हो जाएंगे। अगर आना चाहते हैं ज़्यादा बेहतरी होगा, खुद आके ना अपने पसंद के जानवर लेके जाएँ, और आल पूरा पाकिस्तान में हमारे कार्गो भी है। अगर 2025 से कुर्बानी के लिए सीज़न लगाना है ना मेरे भाई अभी से ख़रीदारी करें। अभी क्या है आपको पता है मेरे भाई, लोग ना बड़े बकरे खरीदने लगे हैं जब मुंद्रा खरीदने लगे, इनके रेट अलहमदिल्ला बिल्कुल मुनासिब और जायज़ रेट मिल रहे हैं। ख़रीदारी कर रहे हैं तो अभी से फ़ायदा उठा दें इंशाल्लाह, क्योंकि फिर ईद के बाद में इनको फिर बहुत लोग इनको खरीदने के लिए लग जाते हैं, फिर इनके रेट ऊपर चले जाते हैं। अगर रोज़ी के लिए जानवर लेने अभी से ख़रीदारी करें, बाकी इनके मालिक से रेट वगैरह पूछते हैं क्या डिमांड करते हैं और मंडी क्या जा रही कैसी है, महंगी सस्ते सारे मालिक से बात इंशाल्लाह पूछ के कंफर्म करेंगे। अस्सलाम वालेकुम चाचू, चाचू और सबसे पहले ये बताएं मंडी कहाँ गई है, कोलकंबर का दिन कौन सा है, मंगल का दिन कौन सी रोड पे लगती है, ये कौन से रोड पे, कौन से रोड पे लगते हैं, डेरा गाजी कहाँ से कितना हट के है ये, तुम्हें एक घंटे का रास्ता है, तकरीबन एक घंटे का रास्ता है डेरा गाजी कहाँ से हट के लगती है, क्या डिमांड कर इनकी, क्या डिमांड कर रहे हैं, तीनों को लाख रुपया देने कितने का फाइनल बताएं, 85,000 का। अगर डेरा गाजी खान की मंडी होती फिर इनके क्या रेट होते हैं,
नहीं फिर भी सच में बात करना, झूठ नहीं बोलना। मंडी आपके आपके अंदाज में कौन सी मंडी सस्ती है? डेरा गाँधी गाँव की सस्ती है। तकरीबन यहाँ का वहाँ का कितना फर्क है? 5-6 हज़ार रुपये मंडी सस्ती या महंगी है? सस्ती है। और इनकी उम्र कितनी है? 28। तो 3 महीने का जानवर है। आपके सामने मालिक से खुद पूछ के आगे आपको कंफर्म करने लगा हूँ, बाकी मजीद भी और भी जानवर आपको दिखाता हूँ। अच्छा मेरे भी मजीद मैं आपको छोटे बच्चे माशाल्लाह ये भी आपको दिखा रहा हूँ। काफ़ी दोस्त कहते हैं ना हम घर में रखना चाहते हैं, पालना चाहते हैं, हमें छोटे बच्चे चाहिए और मासूम बच्चे। ये भी देख ले मेरे भी, अगर आप पाल सकते हैं संभाल सकते हैं ये भी आप खरीद सकते हैं। और ये जोड़ी इनके पास चाचू के पास खड़ी है और माशाल्लाह जानवर तो अच्छे हैं और दो हैं। और इनकी उम्र भी पूछेंगे और इनकी डिमांड भी पूछेंगे, क्या डिमांड करते हैं, क्या उम्र बताते हैं, सारी तफसील हम मालिक से पूछ के इंशाल्लाह आपको बताते हैं। चाचू इनकी उम्र कितनी है? 25-30 दिन के ये जानवर हैं। दोनों फीमेल हैं मेल हैं? दोनों मेल हैं। क्या डिमांड कह रहे हैं दोनों के? 36,000 देने। कितने के हैं? 30,000 के। ये दोनों मिलेंगे आपके सामने, दोनों मेल हैं और जानवर माशाल्लाह अच्छे हैं। अच्छा इसके अलावा और ये माशाल्लाह और गुलाबी और पिंक जानवर आपको ये दिखा रहा हूँ, ये जानवर भी मेरे भी आपने चेक करना होगा। मेरे भाई बात छोटे और बड़े की नहीं होती, बात नस्ल क्वालिटी की होती है। इनके रेट जो होते हैं नस्लें के मुताबिक होते हैं। जितना ज़्यादा अच्छी नस्ल का होगा जानवर ना, वो उतना ज़्यादा खूबसूरत होगा, उतना ज़्यादा वजन करेगा। कम से कम ये जो जानवर आपको नजर आ रहा है कम से कम ही मेरे भी ये जो वजन करेगा ना, कम पेश मेरे भी 250 kg 300 kg तक ये वजन कर सकता है अगर अच्छी खुराक अच्छी केयर की जाए। चाचा ये वाला जानवर कितने का है? कक्का देना कितने का है? 30,000 का। उम्र क्या है इनके? 2.5-3 महीने। चाचू सच में बताना, जोर नहीं बोलना, आपके अंदाज में मंडी सबसे सस्ती कौन सी है? नहीं फिर भी आप सच में बताना। आ चुके आज ये 30,000 का बता रहे हैं। डेरा गाँधी खां में होता है ना ये जानवर 25,000 का होता, 25 का होता। चाचू हम भी काम करने वाले हैं क्योंकि मेरे भाई डेरा गाँधी खां की मंडी में गाँव के लोग लेके आते हैं, गाँव के लोगों से अलहमदा जानवर जो है बारह का और मुनासिब मिल सकता है। बाकी आप और भी ये भी जोड़ी मेरे भी आपने चेक करनी होगी, ये भी माशाल्लाह आपको अच्छे जानवर आपको दिखा रहा हूँ मेरे भाई। क्योंकि जो सेल करने वाला होता है ना वो कहते हैं मेरी चीज़ महंगी सेल हो, मेरे भाई जो इतना दूर से लेने के लिए आता है वो ये चाहता है यार मुझे थोड़ी मुनासिब मिले, जायज़ मिले। साफ बात है मेरे भाई अगर 600-700 किलोमीटर सफ़र करते हैं लेकिन आपको कम अज़ कम आपकी सोच से ज़्यादा इन्हें आपको मुनासिब मिलना चाहिए। अगर महंगा मिलेगा, अगर आपके शहर में जो रेट मिलते ना वो यहाँ पर मिलने जाओ उससे महंगा मिले ना, उसके कोई मफाद नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, फिर आपको नुकसान है। हम लेके देते हैं गाँव के लोग हो सकता 300 रुपये जो लेते हैं ना इनशाला आपको फ़ायदा भी देते हैं। बाकी आए मुंद्रा का फर्म पर जितना जानवर चाहिए 10 चाहिए 30 चाहिए 50 100 जितना भी चाहिए ना आसानी से आपको मेरे भी मिलेंगे। इन क्या डिमांड करें इनकी? कितने? 55,000। हमेशा आपका रेट महंगा होता है। यह जानवर भी माशाल्लाह आपके पास अच्छे होते हैं लेकिन डिमांड ज़्यादा करते हैं, इसके बात सुनो क्या डिमांड करें फैनल 50,000 के। दोनों का बता रहा है 50,000 और जानवर का। आपके सामने रेट खुद चेक करना होगा, मैं अपनी तरफ किसी जानवर का रेट नहीं बताऊंगा। उमर क्या बता रहे हैं फाइनल बताया ना? 1.5 महीने 2 महीने है, 2 महीने का ये जानवर बता रहे हैं उमर। 2 महीने दोनों की 50,000-25,000 का एक बता रहा है। अच्छा ये दो जानवर ये भी चेक करें, ये भी माशाल्लाह छोटे बच्चे आ रहे हैं, लाखे माशाल्लाह बच्चे हैं। आप इनके भी माशाल्लाह हुसन, आप इनका खूबसूरती, इनका भी मेरे भी आपने फेस मेरे भी आपने चेक करना होगा। और क्योंकि आपको मेरे भी पता है और बात छोटे बड़े की नहीं होती, बात नस्ल क्वालिटी की होती है। आप इनके नकोड़े आप इनका फेस देखें, अगर ये 2025 से कुर्बानी के लिए तैयार किया जाए ना मेरे भाई इंशाल्लाह को अच्छी इनका हाइट लेंथ होगी, अच्छी ग्रोथ करेंगे, अच्छा इनका वजन होगा मेरे भाई। बाकी यही चाहता हूँ इसी तरह की चीज़ें खरीदें इंशाल्लाह, मेरा दिल खुश होगा इंशाल्लाह। आपको इंशाल्लाह मुनासिब जानवर इंशाल्लाह आपको यहाँ से आपको मिलेंगे। और कोशिश मेरी ये होती है मैं अपने भाइयों को दोस्तों को ना गाँव के लोगों से जानवर लेके दूँ, गाँव के लोगों से जानवर जो है बारह का मिलता है। भाई जान क्या डिमांड कर रहे हैं इनकी? उम्र क्या है इनकी? देने कितने के हैं? भाई जान जब भी मैंने आपकी वीडियो लगाई ना आपके हमेशा रेट महंगे होते हैं। हाँ जी भाई जान शायद तो अच्छी है लेकिन और चीज़ें इससे भी अच्छी खड़ी हैं, और भी जानवर खड़े हुए हैं लेकिन आप रेट इतना ज़्यादा क्यों करते हैं?
आप नहीं है बंदे से रेट मांग सकते, हमसे भी ना मांगे यार। हाँ जी, हमने ओरिजिनल रेट निकालना है यहाँ के मंडी के। अगर गलत रेट करेंगे ना, यहाँ पे कोई भी जानवर नहीं खरीदेगा, कोई भी नहीं आएगा यहाँ मंडी। जायज नहीं है मेरे भाई, ज्यादा रेट बता रहे हैं। आपकी चीज आपके सामने बता रहा हूँ, चीज तो है भाईजान। कितना है, 3-4 महीने के हैं? 2 महीने के भी नहीं है, ये छोटे बच्चे हैं, 2 महीने के भी नहीं है। मैं गलत बात करूंगा ना आप लड़ाई करेंगे, मैं सच में बता रहा हूँ आपको। अच्छा, 2 महीने के हैं, सच में कह रहे हैं? आपके अपने हैं? फिर आप जगह अपने भी नहीं है, आप क्यों कहते हैं 2 महीने के हैं? यार सब में जो लगती है मुंद्रा जो होता है ना, मेरी बात सुने, मुंद्रा का जलते हाइट लेंथ बड़ी होती है, जलते ग्रोथ करते हैं। ये 2 महीने का जानवर नहीं है, कम से कम ये 25-30 दिन का जानवर है। ये इतने का है, 25-30 दिन का है मेरे भाई, इतना ये 25-30 दिन का ये जानवर है। और इनका बता रहे हैं 50,000, थोड़ा रेट भी ऊपर कर रहे हैं, ये इनके मजीद कमी पेशी हो सकती है। और व्यापारी है ना आप, व्यापार से जानवर हमेशा महंगा मिलता है, महंगा मिलता है ना। मैं इनके सामने कह रहा हूँ, व्यापारी से थोड़ा हमेशा जानवर महंगा मिलता है मेरे भाई। आप आए इंशाल्लाह आपको इज्जत मिलेगी। आपको मैं क्या कहता हूँ, मेरे भाई बहुत लोग ऐसे हैं जो यहाँ के डेरा गादी खा के व्यापारी से जाके जानवर ले लेते हैं। वो कहते हैं यार हमारी कौन सी जेब से पैसा निकल रहा है यार, ऐसा कभी ना करो यार। लोग फिर के लोगों का दिल टूट जाएंगे, लोग आना छोड़ देगा। आप जानवर लेके रहें गाँव के लोगों से मुनासिब, अगर व्यापारी से भी लेके देना तो मुनासिब जायज़ से लेके देना।